पूछ रही हूँ। अरे रुको रुको प्लीज, हमारे दोस्त ने झूठ बोला तो क्या हो गया? आपने भी तो अपने घर वालों से कहा कि आप स्कूल जा रही हैं और झूठ बोल के यहाँ पे बैग ढूंढने के लिए आ गया। तुम्हें लगता है कि मैं घर पर झूठ बोल कर बैग ढूंढने आई? तो सुन लो, हर कोई तुम्हारे दोस्त की तरह झूठा नहीं होता। हमें लगा कि आप हमारी बात सुन के मान जाओगी। क्यों, मैं बेवकूफ? जो भी बात है साफ साफ कहो। संजय आपको चाहता है। क्या कहा? हाँ, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुमने कहा था बैग ढूंढने में मदद करोगी, उसने तुम्हारे लिए झूठ बोला था। हम जब कृषि आए थे तो संजय ने गजरे वाली से 500 का छुट्टा मांगा। उसके पास छुट्टा ना होने से संजय ने कहा कि ठीक है मैं गजरा खरीद लेता हूँ, लेकिन ये गजरा तुम किसी सुंदर लड़की को दे देना, और उसने वो तुम्हें दिया था। उस गजरे वाली ने जरूर तुम्हें संजय के बारे में बताया होगा। जरा फ्लैशबैक में जाओ ना। क्या मालूम कौन लड़का था, किसी सुंदर लड़की को खून देने के लिए कहा था। कौन था वो? मुझे क्या पता, एकदम खंभे जैसा लंबा था। लड़की जिसके
है, कब से इस लड़की पर मेरी नजर थी मामा, और आज ही मेरे सामने खड़ी है। ये सिर्फ मेरी है। मुंबई की टेस्ट मैच बाद में खेलूंगा, ओपनिंग तो एसी की पिच पर करूंगा। तुमको क्या समझते हो, ये अभी बढ़ रही है और तुम लोग इससे शादी की बात कर रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से। चुप हो जा, अब क्यों चुप रहे? मामा के सामने सवाल न उठाता है। मामा जी आप समझाइए, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी बेटी की शादी इससे मैं करवा कर लूंगा। दो दिन बाद सगाई होगी और उसके एक दिन बाद शादी।